हेलो एंड वेलकम टू द क्लास इलेवेंथ ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फ्रॉम यूनिट टू ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं उद्देश्य क्या थे ये किस उद्देश्य के साथ वो एस्टेब्लिश हुई थी नाइनटीन सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरी बिगनिंग ओलंपिक एसोसिएशन बिलो जो ऑब्जेक्टिविक फर्स्टमेंट ऑफ प्रोशन ओलंपिक मूवमेंट की एक तो जो ओलंपिक मूवमेंट है उसका डेवलपमेंट करना और उनका प्रमोशन करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो किसका था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का देन सेकेंड इज एनफोर्स एनफोर्समेंट ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं उनको पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाने का जो काम होता है अप्लाई कराने का काम होता है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का होता है ये पर्पज है देन टू बी द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्लीट फॉर्म एंड होल चार्ज ऑफ ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू ओलंपिक इवेंट और क्या करता है ये कि ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बनना है इसे पूरी तरीके से ठीक है और जो इसका चार्ज था जितने भी मैटर्स ओलंपिक इवेंट से रिलेटेड रहते हैं तो उसका चार्ज भी इसी के पास होना था द नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ फिजिकल मॉरल एंड कल्चरल एजुकेशन ऑफ द यंग पीपल ऑफ द नेशन सो दैट देयर कैरेक्टर कैन भी डेवलप्ड यानि जो फिजिकल मॉरल और कल्चरल एजुकेशन है जो यंग पीपल है हमारे देश के राष्ट्र के उनके लिए जो उनको प्रमोट करना था और इनक्रेज करना था ताकि जो कैरेक्टर हो सके यंग जनरेशन का वो डेवलप हो सके दैन एडमिटिंग द मेम्बरशिप ऑफ स्टेट ओलम्पिक एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन

इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन में इंफॉर्मेशन के लिए सबमिट किए जाएंगे देन टू बी दैक्सट ऑब्जेक्टिव इज ऑफ इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन इज टू बी ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल द रिलेटेड मैटर्स कि एक जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन बनना था और उस जितने भी रिलेटेड मैटर थे यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड उन्हें कंट्रोल करना था देन टू अंडरटेक विद असिस्टेंस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द फाइनेशियल मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ टीम्स फॉर फ्रॉम इंडिया टेकिंग पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स एंड अदर गेम्स विच आर ऑर्गेनाइज अंडर द पेट्रोनेज ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी इसको जितनी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन थी उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन करना मेंटेनेंस करना और जो टीम का वेलफेयर है वो करना उन टीम के लिए जो पार्टिसिपेट करना था किसी भी ओलंपिक गेम्स के अंदर या जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी गेम्स ऑर्गेनाइज करती है उसके अंदर भेजना था देन टू सजेस्ट द नेम्स ऑफ सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम ओलंपिक गेम में किन खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करना है उसका नाम सुझाना टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी फेडरेशन फॉर मिसबिहेवियर और एनी अदर अनडिजायरेबल एक्टिविटी ब्रिंगिंग डिसक्रेडिट टू द कंट्री कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना किसी भी जो फेडरेशन है अगर वो मिसबिहेव कर रही है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिससे कि जो राष्ट्र है उसके जो नाम है वो खराब हो तो उसके लिए उसके अगेंस्ट भी एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना था इन कॉरपोरेशन विद द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एसोसिएशन इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेस एंड कंट्रोल सेलेक्शन ट्रेनिंग कोचिंग ऑफ द टीम्स दैट विल रिप्रेजेंट इंडिया और इसके साथ साथ ही इस कॉरपोरेशन में जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके साथ ही एसोसिएशन में जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन है उसे ऑर्गेनाइज करना था और कंट्रोल करना था कि जो खिलाड़ी है एक तो उनका सलेक्शन सही से हो फिर उनकी ट्रेनिंग हो और जो कोचिंग है अलग अलग टीम्स की जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी उन सब का बेहतर तरीके से कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन हो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फोर्स एंड डिफेंड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द एसोसिएशन टू यूज द ओलंपिक फ्लैग एंड ओलंपिक इन और फोर्स करना और क्या करना डिफेंड करना अपने अधिकारों को जो एसोसिएशन के थे ताकि वो ओलंपिक फ्लैग को और जो ओलंपिक इन सिग्निया है उसे यूज़ कर सके दैन टू ऑर्गेनाइज नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्पिटिशन्स कि नेशनल और इंटरनेशनल कम्पिटिशन्स कराना था टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट रिलीजन कलर एंड एरिया एट्सेट्रा कि जो कास्ट से कास्ट की वजह से रिलीजन था कलर था एरिया की वजह से उन सब में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसे खत्म करना था देन टू अप्लाई द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और जो वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजेंसी है जो कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई कर रही है उसको अप्लाई कराने का जो ऑब्जेक्टिव था वो भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का था